विश्व विख्यात ताजमहल अब पहले से ज्यादा आकर्षित होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन ने छवि को बदलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। दरअसल ताज के आसपास फैली गंदगी विश्व पटल पर छवि को धूमिल कर रही थी। इस विषय पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त निखिल पुंडे ने बताया कि पूर्व में जो कंपनी अपनी सेवाएं दे रही थी उसका कार्य संतोषजनक न होने पर कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब लॉयन सर्विसेज नाम की कंपनी से करार किया गया है जो ताजमहल क्षेत्र के आसपास सफाई व्यवस्था देखेंगी। वही कंपनी के कार्यों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है जो उस पर नजर रख सकेगी। अलावा इसके भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है ताकि कंपनी सुचारू रूप से सफाई पर ध्यान दे सके। अभी हाल में ही हमने ताजमहल के आसपास के एरिया के लिए एक टेंडर किया था साफ सफाई की व्यवस्था, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसमें सड़कों की सफाई, नाली की सफाई, डोर टू डोर कलेक्शन, पार्क का क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और एक लायन सर्विसेज कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसी को ये टेंडर अवार्ड हुआ है। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था अपेक्षित है ताजमहल और उसके आसपास के एरिया में, वो सफाई व्यवस्था हम लोग अब मुहैया वहाँ करा पाएंगे। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।